दुआना। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपका एक बार एक नए वीडियो में, एक नए ब्लॉग में। और मैं अभी यहाँ पे अपने इस रूम पे हूँ, एक स्टोर रूम के जैसे। इसमें हमारा जो भी मतलब ऐसे कुछ सामान वगैरह होता है यूज़ करने का, बाकी ये कुछ जो हमारे जहाँ पे हम अपना अनाज वगैरह स्टोर करते हैं वो वाला। तो ये एक छोटी सी मतलब ऐसे आटा चक्की मतलब ग्राइंडर के जैसी यार ये, पर चलो अब क्या करना। और इसमें हम ये गेहूँ पीस रहे हैं, ये हमारे अपने घर के गेहूँ हैं। तो और ये वाली गेहूँ जी थी वो भैंस के लिए, ऐसे थोड़ा इसको भुना हुआ है, भैंस के लिए पीसेंगे इसको। बट अभी मैं आया था अपने खेत यहाँ पे, ये मक्की के खेत है अपने इस तरफ को, ये यहाँ पे माता जी भी हैं। ये जो मक्की का मतलब है घास को काटना था हमने, बट क्या है कि इनको लगे हुए रंगड़ रंगड़ एक मक्खी होती है काफ़ी, मतलब वो काटती है ज़्यादा। तो माता जैसे डर डर के काट रहे हैं, पर मैं तो काटूंगा नहीं, मैं घर जाऊंगा भाई। ऐसे थोड़ी नहीं होता कि इधर रंगड़ों से खुआना, मैंने रंगड़ काटेंगे इधर बहुत बुरे हाल से भाई, घर चले जाना। मैंने डोल डाली, इससे अच्छा तो कोई और काम कर लो। माता भी डर डर के कर रहे हैं, देखो वहाँ पे देखो, देखो एक एक को काट रहे हैं आराम आराम से। वो देखो कैसे डरे हुए हैं, जैसे कि परली तरफ से पाकिस्तानी अटैक कर देंगे ये, ऐसे चुप चुप के। अमा चला घी अतवारू। हाँ, और ये देखो यहाँ पे एक बांस का पौधा है, इसके ऊपर ये घीए की बेल है, उस तरफ से है उगी हुई है। ये मेरे चाचा जी हैं और सिल्लू भाई उनकी है ये, तो यहाँ लगे हुए हैं। डानू सिल्लू भाई वीडियो देखेंगे तो आ जाएंगे डानू उतारने इधर। क्या माँ? अच्छा अच्छा घीए लगे हैं, डानू लगे हैं। और डानू तो हमारे इधर होते हैं ना, बाकी ये घीए लगे हुए हैं। तो आज श्राद्ध खत्म हुए हैं और ये एक दो दो रोटी जो है अपने बैलों को खिलाऊंगा मैं। ये ऐसे पूजा पत्री के बाद रखी रख पूजा पत्री करते हैं कि, तो फिर ये खिलानी पड़ेगी बैलों को। पत्र भी खवाई दूँ माँ? बराबर बराबर रख क्या माता रही काना बंडा हुआ काना बंडा नहीं चाहिए काने बंडे देखे हुआ आखिया बूटा ही दो दो वाले वो किदा मुड़ियो ए ओले तीजो ही मूर्खा थी ये ले क्या तो मूर्ख ये बड़ा शरीफ बच्चा है ये तो बड़ा बांदर है ये बड़ा शरीफ सिंह इतने बड़े बड़े हैं इसके ऊपर है बड़ा शरीफ ऐसे मारता मूरता नहीं है। बस खत्म हो गया वो खत्म खत्म खत्म। ये एक उपले का पीस है जो गोबर का उपला बनता है बोर्स को मैंने जलाया हुआ है, तो इसको यहाँ पे हम अपने भैंसों को धुआं वो करने के लिए ताकि मक्खी मच्छर ना आए उसके लिए रखेंगे। सिर्फ इसको रखेंगे नहीं और घास भी जलाएंगे इसके साथ, बाकी यहाँ पे बांधेंगे अपनी भैंसों को हम। और बाकी माता भी दूध निकाल रहे हैं भैंस का अंदर। बाकी तो यहाँ पे देखो धुआं ही धुआं कर दिया मैंने, और ये है जो छोटा सा बच्चा है अपनी भैंस का, पर यहाँ पे धुआं ही धुआं हो गया। तो अब ओए 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 ले ओह ओह प्यारा प्यारा बच्चू कितने दिन रहा हुआ माए 21 दिन रहा 3 हफ्ते का हो गया है, 3 हफ्ते का बच्चा छोटा सा नन्ना सा। तो अभी शाम का टाइम है 5:30 हो रहे हैं और मैं अपने यहाँ पे आगे खेत है उस तरफ जा रहा हूँ, मक्की का जो मक्की का घास है बोला वो काटना है। और ये जहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ ये सन्नी के खेत हैं, काफ़ी ज़्यादा घास भी है इस तरफ को। ये थी बढ़ने आवाज है ये भी, ये वाला खेत है अपना यहाँ पे जहाँ पे माता जी खड़े हुए हैं, एक उसके ऊपर वाली तरफ को है और अपने चाचा जी उनका घर है यहाँ पे भी है। तो इसका ये घास काटेंगे अभी हम यहाँ से। तो इस वाले खेत का पूरा जो मक्की थी ऐसे वो निकाल दिया हमने, घास काट दिया, यहाँ पे माता जी बांध रहे हैं और मैंने इस तरफ को काट के रखा हुआ है। देखो ये थोड़ा एक ये है,
एक है, इनको बांधा जा रहा है अब। और मैं आपको कुछ दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, ये है एक मतलब बहुत ही ज़्यादा जहरीली मक्खी होती है ये, वो देखो। और एक मक्खी के पेड़ के उसके मक्खी के उस पर बैठी है पौधे पे, कितने ज़्यादा हैं देखो तो, इतने बुरे हाल से काटते हैं ना ये। मैं अपने किचन में शाम खड़ा है, मैं 8:30 बज रहे हैं और यहाँ पे जो किचन में चल रहा है वो आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा कि क्या हो रहा है। यहाँ पे माता जी बना रहे हैं कुछ, वो ऐसी मतलब जो तली हुई रोटियाँ हैं, कढ़ाई की रोटी बोलते हैं मैं इनको, मतलब कि कढ़ाई में जो बनाई जाती हैं रोटियाँ वो। और ये हैं जो मतलब भल्ले जिनको फ्राई किया हुआ है, और इसमें दो इस तरह के कुछ छेद आँखें बना दी हुई हैं इसको दो, और बीच में इसका बाकी ये रोटी मैंने थोड़ी सी खा ली है यहाँ से, इसके अंदर कुछ स्टफिंग हुई आलू उलू डाले हुए हैं, बाकी इस तरफ को भी बनाने को है कुछ वहाँ पे बना ली हुई है। और कानू आया घर पे तो बन रही है, पर कानू ने तो दूध और फुल्का खा लिया हुआ है। अपना डिनर टाइम, और ये आज के डिनर मैंने बनाए ये भरले हैं जो फ्राई किए हुए, साथ में ये घी है देसी घी, और ये रोटी है, रोटी की कचौरी जैसे कुछ स्टफिंग है इसमें अंदर डाला हुआ कुछ माल मटेरियल है। और यहाँ पे इसमें है खीर, और ये है चटनी, और ये खीर सुबह बनाई हुई थी, इसमें है घी, ये रोटियाँ, और बाकी बापू जी को नहीं दिखाएंगे, बापू जी गाड़ी निकालते हैं मुझे फिर कि मुझे मत दिखाया कर। और माता जी रोटियाँ बना रहे हैं इधर। हाँ क्या करना होना, तो अभी डिनर करने के बाद मेरे साथ है देखो कान हुए यहाँ पे, कान आया 10-15 दिन के बाद घर पे, और ये बोल रहे कि बिजली का स्विच वहाँ लेके चल, मुझे ऑन ऑफ करना है, चल क्या करना कर। छोड़ 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 चल खाना, सो जाना हमने, कानू सो जाएगा। तो अब मैं कोशिश करूंगा कि काना को ऐसे सुला दूं, बट सोएगा नहीं है क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मेरे पास आया है, तो इसका अभी सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो गया होगा सोने का, तो इसके पास पहले खिलौने देते हैं, हो सकता है खिलौनों के साथ ऐसे। लो मुन्नु, और ये केस की कार है, ले कानू सो जाओ।